हेलो एवरीवन, मैं दीपा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बाग बगीचा पैशन एंड क्रिएशन में, जहाँ हम बात करते हैं पेड़ पौधों की और किसी क्रिएटिविटी की। सभी जब रेस्टोरेंट जाते हैं तो जो सिरके वाले प्याज होते हैं, वेनेगर और जो अनियन होते हैं, वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगी कि घर पर आप उसी तरीके से बहुत ही स्वादिष्ट वेनेगर अनियन कैसे तैयार करें जो आपके खाने को बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना देगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना करें। तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले छोटे छोटे साइज़ के चाहिए हैं अनियन। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास छोटा साइज़ है तो वो बहुत खूबसूरत लगता है देखने में भी और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। अगर आपके पास बड़े साइज़ का अनियन है तो आप उसको पीसेस में कट कर सकते हैं। स्क्रीन पर मैंने सारे इन्ग्रीडियंट्स दे दिए हैं, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर उसको तैयार कर सकते हैं। तो इन सब छोटे छोटे अनियन को लेकर साफ़ कपड़े से धोकर पोंछ लेंगे, और उसके बाद बड़ा अनियन है तो आप उसमें कट लगा लीजिए, छोटा है तो आप उसको वैसे ही रख सकते हैं। प्याज को साफ़ करके धोकर उसको अच्छे से पोंछना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार होता है उस पर कुछ किरकिरी लगी होती है तो उससे स्वाद बिगड़ सकता है। तो इसलिए पहले आप प्याज को अच्छे से साफ़ कर लें। प्याज छोटा ही लें। छोटा लेने से क्या होता है कि आपका जो आपको लगता है कि आप हाँ बिल्कुल बहुत ही टेस्टी और बाज़ार वाले खा रहे हैं, साथ में चाहिए आपको वेनेगर। मैं ये वाला वेनेगर यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी वेनेगर यूज़ कर सकते हैं। जो वेनेगर लेना है आपको, वो अगर आप चाहें तो ऐसा ही लें जो कलरलेस हो, ताकि उसमें अच्छे से कलर आ सके। साथ ही लेंगे बीट रूट, ये आप क्वांटिटी आप ध्यान रखिएगा, जितने प्याज हैं उसी के अकॉर्डिंग लेंगे। मैं यहाँ पर एक बड़ा बीट रूट ले रही हूँ, जिसे मैंने धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसी को मैं यूज़ करूँगी। बीटरूट लेने से होगा क्या कि इससे आपके जो अनियन है उसमें कलर आएगा, क्योंकि इसी तरह का कलर होता है और हम इसको नेचुरल बनाएंगे तो हम बीटरूट ऐड करेंगे। बीटरूट ध्यान रखिएगा, यानी जो चकुंदर होता है वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, रसीला होना चाहिए। साथ में हम लेंगे एक बड़ा चम्मच नमक और एक बड़ा चम्मच चीनी, इससे टेस्ट बैलेंस हो जाता है और किसी भी तरह का कोई स्मेल भी आपको नहीं आएगी और स्वाद भी बढ़ेगा। इसके लिए मैं एक कांच की बरनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोशिश कीजिए कांच की ही लें। अगर नहीं है तो फिर प्लास्टिक ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप कांच की ही लें। अब कांच की बरनी में सबसे पहले मैं वेनेगर डालूंगी। मैं यहाँ पर एक कप वेनेगर ले रही हूँ। जितना वेनेगर लेंगे उससे दो गुना हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसको एक ही बार में तैयार करें, ऐसा नहीं करेंगे कि बाद में उसमें और वेनेगर डालें, बाद में इसमें और पानी डालें। यानी यहाँ पर मैंने एक कप वेनेगर लिया है और इसमें मैं दो कप पानी डालूंगी, तो इसका बैलेंस बिल्कुल सही बन जाएगा। अगर आपके पास अनियन बहुत ज़्यादा है तो आप इसी को के अकॉर्डिंग अपना जो वेनेगर और वाटर का जो मिक्सचर है वो आप बढ़ा सकते हैं। तो जब हम इसमें वेनेगर और पानी डाल लेंगे तो उसके बाद मैं यहाँ पर नमक ऐड करूँगी। यहाँ पर एक चम्मच आपको नमक ऐड करना है, अनियन ज़्यादा है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक चम्मच नमक इसमें ऐड कर रही हूँ। जब आप नमक ऐड करेंगे, साथ ही में आप एक चम्मच इसमें शुगर भी ऐड कर दीजिए, और उसके बाद हम जो अनियन हमने जो लिए हैं उसको हम इसमें डाल देंगे, और बीट रूट को भी हम साथ ही साथ डाल देंगे, क्योंकि बीट रूट हमें इसलिए चाहिए इसके कलर के लिए, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कलर के लिए चाहिए, बाद में ये भी बहुत टेस्टी लगती है, आप इसको भी खा सकते हैं। और इसमें बाद में सारे अनियंस भी ऐड कर दूंगी, और उसके बाद इसको छाया में ही रखना है, इसको धूप में नहीं रखना है, और बड़े ही आराम से ये 10 दिनों के अंदर अंदर बहुत ही सुंदर कलर भी ले लेगा और बहुत ही खूबसूरत भी दिखने लगेगा और खाने में भी तैयार हो जाएगा। यानी 10 दिनों के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको यहीं पर दिखा दूँगी कि कुछ टाइम के बाद ये कैसा हो जाता है, क्योंकि आज मैंने इसको बनाया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ 7 डेज़ के बाद ये कैसा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर, जो प्याज का जो कलर है वो पूरा अच्छे से बदल गया है और ये तैयार हो चुका है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप इसको इस्तेमाल करें साफ़ और सूखी चम्मच से ही से निकालें, ताकि आपकी जो ये जो प्याज है लंबे समय तक सही बने रहें और इसी तरह से आप खाने में इसको इंजॉय करते रहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाला है और आपके खाने का जो टेस्ट है वो भी एनहेंस हो जाएगा।
आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ ही मुझसे पर्सनली कनेक्ट होने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।